आज मैं आपको फेस फैट को रिड्यूस करने के लिए, डबल चिन को कम करने के लिए और इसके साथ ही शार्प जॉ लाइन के लिए सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी का फैट खत्म करना चाहते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम है या किसी बीमारी की वजह से आपका फैट बढ़ा हुआ है, आपकी बीमारी कम होगी तभी आपका फैट घटेगा, तो उससे आप परेशान हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे और टिप्स देने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल देसी इलाज पर। तो आप मेरे दूसरे चैनल देसी इलाज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो जाता है, यानी बैठे बैठे हम कुछ भी उल्टा सीधा खाते में रहते हैं और अपने खाने पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हमने खाना मुंह में डाला, जल्दी से चबाया और अंदर। हम इतने बिजी होते हैं दूसरे कामों में कि हमें पता ही नहीं होता कि कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। बस चीज़ सामने आई और उसको मुंह में डाल लिया और अंदर कर लिया। अगर कुछ ऐसी आपकी भी हैबिट बन चुकी है और क्या खा रहे हैं, क्या खाना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो उन कारणों की वजह से जो हमारे फेस का फैट है वो बढ़ने लग जाता है और फेस हमारा फूलकर मोटा हो जाता है। लेकिन बाद में जब हम मिरर में देखते हैं, हमें लगता है अरे यार, फेस हमारा खराब हो चुका है, फेस के ऊपर फैट ज़्यादा आ गया, अब कैसे कम करें, क्योंकि ज़्यादा मोटा फेस भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए सिर्फ 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं किस तरीके से आपको करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको अपनी गर्दन को थोड़ा इस तरीके से ले जाना है। अब गर्दन को ले जाने के बाद क्या करना है, आपको यम बोलना है अपने मुँह से। क्या सब वर्ड निकालना है, यम। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ, आप भी उसी तरीके से करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे अपना हाथ आपको यहाँ पे रख लेना है। तो आपको फील हो रहा है ना कि यहाँ के जो सारे मसल्स हैं, सारे मसल्स पे खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे जब आपके इन मसल्स पे काम होगा, आप इन मसल्स को काम में लेते हैं, आप कुछ ना कुछ इन मसल्स से काम करवाते हैं, तो ये स्ट्रेंथन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये मसल्स आपके स्ट्रेंथन होते हैं तो आपकी जो फैट, एक्स्ट्रा फैट है, उनको बर्न करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ से काम हो रहा है, उनको काम में यूज़ करनी है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, आपका जो फैट, एक्स्ट्रा फैट है, वो उनको बर्न करके एनर्जी ले लेंगे और आपकी स्किन जो है यहाँ से चिपकनी शुरू हो जाएगी मसल्स के साथ। तो जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करनी है। जैसे ऊपर माउथ किया और आपको यम बोलना है। 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, अपनी जो मुट्ठी है उसको अपनी ठोड़ी के नीचे लगाना है, चिन के नीचे इस तरीके से लगाना है। अब आपको मुंह खोलना है, बंद करना है। अब जहाँ पे आपने मुट्ठी को यहाँ पे लगा लिया, इस तरीके से आपने लगा लिया, अब इसको ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना है, हाथ को आपको वहीं पे रखना है जहाँ आपने रखा हुआ है, क्योंकि ये मुट्ठी आपका जोर लगाएगी इस वाले हिस्से पे और आपका मुँह आपकी मुट्ठी पर, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए जब आपने मुंह खोला तो आपकी मुट्ठी के ऊपर आपने जोर लगाया, क्योंकि मुट्ठी आप नीचे नहीं कर रहे, मुट्ठी आपकी वहीं पे रखी हुई है और मुट्ठी आपकी जोर लगा रही है आपकी चिन के ऊपर, क्योंकि आप मुट्ठी को जोर लगा के नीचे करने की कोशिश करें, लेकिन मुट्ठी तो आपकी वहीं की वहीं है। तो इससे किस चीज़ पे प्रेशर आ रहा है, आपके इन मसल्स पे, इन मसल्स पे आपके प्रेशर आएगा। तो इन मसल पे प्रेशर आएगा तो फैट आपका कम होना शुरू हो जाएगा। आप तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले मुंह को ऊपर करना है और मुंह को ऊपर करने के बाद आपकी जो जीभ है, आपकी जो जीभ है, टंग है, उसको पहले अपने माउथ के ऊपरी हिस्से में लगाना है, ऊपर वाले हिस्से में, फिर नीचे। ये 20 बार आपको करना है और दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी वो भी 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करनी है। तो तीसरी एक्सरसाइज में अपनी जीभ को ऊपर नीचे लगाएंगे मुंह पर करके। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है आपको। होंठ बंद करके करना, मुंह खोल के नहीं करनी है, जीभ को ऊपर नीचे लगाना है। तो तीसरी एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सब कर सकते हैं। और आराम से अगर आपके गालों के ऊपर फैट है, आपकी डबल चिन बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, रिंकल दूर करना चाहते हैं, फेस फैट को ख़त्म करना चाहते हैं, आई बैग रिड्यूस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।